हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका। राधिका की बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, ये है इंजाइम जो साग सब्जी के छिलके का था। साग सब्जी, खराब साग सब्जी लाए थे मेरे हस्बैंड, वही है। इसी में और पानी मिला मिला के मैं पौधे में अपने डालती हूँ। ऐसे चलाने से ना इसमें जो बैक्टीरिया हैं सब अच्छे से सांस वांस ले लेते हैं अपना, और वो अच्छे से अपना काम करते हैं। इसे दिन भर में एक बार चला देना चाहिए इस तरह से। इसको अभी मैं छत पे रखवाऊंगी। ये बहुत गाढ़ा है देखो, हल्का हल्का खोल के रखा जाता है। ये देखिए, अपना कागज भी फाड़ के मैं रखी हूँ। और यहाँ पर भी ये डिब्बा नीचे टूटा हुआ था, इसी में मैं साग सब्जी का छिलका और कागज उगज फाड़ के डाल दी हूँ। इसमें मेरा खाद बन रहा है, थोड़ा सा इसका मुंह खोल दी हूँ। इसे भी छत पे रखवाऊंगी। ये देखिए, अच्छा पे सर्वा हार्वेस्टिंग की थी पत्ता गोभी वोभी की। इसमें प्याज डाल के इसकी भुजिया बहुत अच्छी लगती है, कितना मुलायम मुलायम पत्ती है। ऑर्गेनिक सब्जी एकदम घर का। और इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे कल्ले आ रहे हैं, नए नए देख लीजिए। एक भी पैसा मेरे पौधे में, एक भी पैसा मैं खर्च नहीं करती हूँ। कोई भी पौधा मैं खरीदती भी नहीं हूँ। और यही इंजाइम वाला जो पानी है, इसमें और पानी मिला के यही पानी मैं पौधे में अपने डालती हूँ। देखिए कितनी सुंदर सुंदर इसमें पत्तियाँ निकल रही हैं। इसको देखिए, इसमें पोचुला का कितने बड़े बड़े सब हो गए हैं। यही मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें किस चीज़ के कितने कितने पौधे हैं। ये एक लड़की लाई थी, सिलाई सीख रही थी हमारे यहाँ, उससे मैं मंगाई थी। हमारे यहाँ है ये वाला, लेकिन उसकी पत्ती कुछ हल्के हल्का हरा में पत्ती है, इसका एकदम गाढ़ा गाढ़ा पत्ती होता है। तो देखिए एक प्लांट ये भी है, और देखिए इसमें पीपल का भी एक छोटा सा पौधा है। और इसको देखिए, अभी हम इसको यहाँ से अगर छाट के दूसरे जगह लगा देंगे तो अगल बगल से भी कल्ले निकलेंगे इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये सब यहाँ यहाँ से तोड़ेंगे, सब यहाँ यहाँ से सब तोड़ देंगे यहाँ यहाँ से। और इसमें हम और खाद उद डाल देंगे, मिट्टी उट्टी, और इसे दूसरे जगह लगाएंगे हम। ये इसका यहाँ पे जब ये टूट जाएगा ना, तो अगल बगल से अच्छे अच्छे कल्ले निकलेंगे। इसमें देखिए मनी प्लांट लगा था, इसमें छोटा सा छेदा है एकदम। इसे हमें और बड़ा करना चाहिए था, पहले हमें उतनी नहीं जानकारी थी, ज़्यादा बड़ा मैं छेदा नहीं करती थी। लेकिन देखिए, एक ये बाज़ार का है, ये 7 रुपए का मिला था, बनारस से मैं लाई थी। इसमें देखिए कितना बड़ा बड़ा होल है। इसमें नीचे मैं गिट्टी उट्टी रख के छोटा पौधा लगा देती हूँ। और ये देखिए, घर पे मैं इसे छेदा करके पन्नी में घर पे मैं बनाई थी ये पॉलिथीन। इसमें भी मिट्टी भर के इसी में भी पोचुला का लगाऊंगी। और ये डिब्बा है, इसे भी मैं देखिए छेदा की हूँ, इसमें कितना सारा छेदा की हूँ। जितना छेदा रहता है दोस्तों सही रहता है, क्योंकि इसमें यहाँ तक हम गिट्टी भरेंगे, यहाँ तक नमी बनी रहेगी, फिर उसके बाद ऊपर खाद वाली मिट्टी भर देंगे। हमारी मिट्टी तो सब एकदम बहुत अच्छा, उसमें भुरभुरा मिट्टी है, ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं है हमारा। कितने सुंदर लग रहा है ये। अगर आपका गमला अच्छा है लेकिन पेड़ पौधे नहीं सही हैं तो नहीं अच्छा लगता। ये देखिए, ये वेस्ट चीज़ में ही लगा है। पौधे स्वस्थ रहेंगे तब कि जब उसके अच्छे से पानी उनी
और उसमें खाद वाला पानी बढ़िया से आप डालिए। मान लीजिए कि वैसा नहीं खाद डाल रहे हैं मिट्टी वाला, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालिए। जैसे यही है, एक तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ही है। इसको भी देखिए, हम पैसा थोड़ी ना खर्चा किए हैं, आपसे तो शेयर किए थे कि ये फ्री में हम साग सब्जी मंगा लिए थे ख़राब, उसका बनाई हूँ। दो एक टब एक बाल दो दो बाल्टी बनी है, इतना ज़्यादा बन गया है हमारे यहाँ। अब जितनी भी हमारे पास है सब पुरानी मिट्टियाँ मैं रखी हूँ बोरी में भर भर के, सब उसी में इस फर्टिलाइज़र को पानी मिला मिला के उसमें सब भिगो देती हूँ, उसको ओदी बनाए रखती हूँ। इसलिए कि नमी रहेगा तो मिट्टी बहुत अच्छे से चार्ज हो जाएगी, तो उसमें पौधे बढ़िया से होंगे। एक भी मिट्टी में जो हमारा मिट्टी रहता है, मैं उसे सूखा नहीं रहने देती, हल्का हल्का उसमें नमी बनाए रखती हूँ। और हमारे पास ये पानी भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यही पानी में अपने पौधे में जो जो सूखी मिट्टी है सब में मैं पानी डाल देती हूँ। नमी बना रहता है उसमें, बैक्टीरिया अपना काम करते रहते हैं और मिट्टी भी मेरा रिचार्ज होता रहता है। अब उसमें फोचुलाका चुलाका यही सब पौधे मैं लगाऊंगी छत पे। दोस्तों अभी मैं गई नहीं, सुबह गई थी और टाइम रहता तो शाम को भी मैं चली जाती हूँ। शाम को 10-10:30 बजे तक मैं पानी उनी डालना रहता है, डाल उल के रात को भी मैं चली आती हूँ छत पे, पानी उनी डालने चली जाती हूँ। काम वाम भी रहता है नीचे करने के लिए, चल रहे हैं बर्तन सर्तन माँजने। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो बंद करती हूँ।